बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से। 265 में से 228 सीटों के नतीजे आए हैं। पाकिस्तान चुनाव आयोग के हवाले से ये सबसे ताजा आंकड़े। इमरान समर्थित प्रत्याशियों को भारी बढ़त। 95 सीटों पर पीटीआई समर्थक जीते हैं। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी है। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को 66 सीटें हैं। और तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पार्टी बिलावल की पीपीपी को 51 सीटें। 37 सीटों पर गिनती जारी है। ऐसे में किस तरीके का जनादेश है, ताजा आंकड़े आपके सामने रखें। सबसे आगे बिना सिंबल के लड़े इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक उम्मीदवार 95 सीटों पर जीते हैं। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन यहां से 66 सीटें जीतने की खबर है। तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पार्टी है पीपीपी, इन्हें 51 सीटों की जीत की खबर मिल रही है, जबकि 37 सीटों पर गिनती चल रही है। तो देखिए अभी भी गिनती जारी है। तनाव के बीच सैयद जलालुद्दीन आरजू काजमी, दो पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जो इस वक्त की कंडीशन है, सैयद आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, जिसके बीच ये काउंटिंग चल रही है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको अभी फ्रेश की अपडेट दे रहा हूँ। अभी पीटीआई जो है फिलहाल 97 सीट्स जो है अब जीत चुकी है, जो अब तक की काउंटिंग है। और उसके मुताबिक जो पीएमएलएन है, तो पीएमएलएन की सीटें 66 हैं। और थर्ड नंबर पे आती है 51 सीट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और चौथे नंबर पे एमकेएम पाकिस्तान है, जो 14 सीटें जीत चुकी है। तो अभी अलायंस की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ, ये समझा जा रहा है कि रबते जो शुरू कर दिए गए हैं आसिफ जरदारी की तरफ और एमकेएम पाकिस्तान की तरफ। तो ये 3-4 पार्टियां मिलके जो है वो हुकूमत बना सकती हैं पीटीआई के खिलाफ। तो अभी फिलहाल की अपडेट ये है। साथ ही साथ मैं आपको एक और अपडेट बताऊं कि 90 के करीब जो पीटीआई के कैंडिडेट जिनको हरा दिया गया इस इलेक्शन में, वो अपने अपनी हार को चैलेंज करने जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, क्योंकि उनका कहना है कि फॉर्म 45 के अंदर वो जीत चुके हैं, लेकिन 47 में उनको हरा दिया गया है। साथ ही साथ आधे घंटे के बाद पीटीआई की तरफ से बहुत बड़ी कोई अनाउंसमेंट जो है वो आने वाली है। तो वो बस उसका इंतजार किया जा रहा है कि पीटीआई के पास अब क्या नेक्स्ट जो है वो प्लान है और वो क्या वो बताने जा रही है। आरजू, किस तरीके से अब पत्रकार का खेमा या एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर एंटीसिपेट कर रही है, क्योंकि नतीजे जिस हद तक सामने आए हैं उसके बाद आगे की तस्वीर कैसे देखी जाए? आरजू अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप सुन पा रही हैं मुझे? जी बिल्कुल, आप सुन पा रही हैं? जी मैं आपको यही बता रही थी कि जिस तरह से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आए हैं, और वो जाहिर है कि इमरान खान की पार्टी के ही हैं ज्यादातर, तो यही कहा जा रहा है कि ये इसी वजह से करवाया गया था, उनको एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लाया गया था ताकि इमरान खान जो हैं वो ना जीत पाए। और जब गवर्नमेंट बनाने जाएंगे नवाज शरीफ साहब, तो यकीनन उनको ज़रूरत पड़ेगी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, और यही लोग होंगे जिनको तोड़कर नवाज शरीफ साहब के साथ मिलाया जाएगा और गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो जाहिर है जब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं तो किसी भी पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और वो कहीं भी जा सकते हैं। और ये पहले भी हमने देखा था, जब इमरान खान की गवर्नमेंट पहले आई थी 2018 में, तब भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को लाकर इमरान खान के साथ शामिल करवाया गया था और तभी गवर्नमेंट बनी थी। तो यही सब कुछ एक बार फिर हम देखने जा रहे हैं, सब कुछ वही हो रहा है। सिर्फ आप ये कह सकती हैं कि जो स्टाइल है वो बदला हुआ है, और इस बार सामने आके बजाय फौज सामने नहीं आई है, एजेंसी सामने नहीं आई है सब कुछ चेंज करने के लिए, बल्कि उन्होंने इलेक्शंस होने दिए और ऐसे इलेक्शंस होने दिए जिसको कहा जा रहा है कि जी बहुत फेयर इलेक्शंस हैं क्योंकि इमरान खान के लोग जीत गए। लेकिन उसके बाद इमरान खान के लोग क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं तो उनको ले जाकर नवाज शरीफ साहब के साथ मिला दिया जाएगा। लेकिन आरजू इसका मतलब तो यही है कि जनता कुछ और चाहती थी और हो वही रहा है जो पहले की लिखी स्क्रिप्ट थी, तो लोगों को कैसा लगेगा और जिस तरीके की तस्वीरें और खबरें आ रही हैं? बिल्कुल लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इमरान खान की पार्टी जीती है, इमरान खान के लोग जीते हैं, तो फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी या गवर्नमेंट भी इमरान खान के लोगों को ही बनानी चाहिए। लेकिन अगर इसके बजाय नवाज शरीफ साहब बनाने जा रहे हैं और वो उसके साथ जरदारी साहब को बुला रहे हैं, तो यकीनन
नवाज शरीफ साहब की तरफ एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव है। आम पब्लिक कर कुछ नहीं सकती सिवाय इसके कि जब नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे तो उसमें और ज्यादा इमरान खान को शायद सपोर्ट मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि तब तक इमरान खान को ड्राई क्लीन करके जैसे नवाज शरीफ साहब को किया गया है इमरान खान को सामने लाया जाए। तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसका भी रुख करेंगे आरजू आपके पास आए, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है। बिगड़ते माहौल को देखकर के सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, तुरंत प्रभाव से ड्यूटी पर लौटने का ऑर्डर है। पाकिस्तान में 9 मई जैसा कांड दोहराने की आशंका को देखते हुए सेना के खिलाफ आर पार की मूड में पीटीआई के कार्यकर्ता है, और ऐसे में सैनिकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। तुरंत प्रभाव से काम पर वापस आने का ऑर्डर है। बिगड़ते हुए माहौल को देख करके ये बड़ा फैसला लिया गया है। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, जिस तरीके का जनादेश आया है जहां इमरान खान की पार्टी पीटीआई बिना सिंबल के लड़ती है, ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार जो जीते हैं इमरान खान की पार्टी से है, और ऐसे में जनता का आक्रोश भी है। अब आर पार के मूड में पीटीआई के कार्यकर्ता है। आरजू के पास चलते हैं और इस खबर के मायने समझते हैं कि सेना के खिलाफ आर पार के मूड में पीटीआई के कार्यकर्ता कैसे पॉसिबल है, क्या क्या एविडेंस है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भी पॉसिबल है या 9th में जैसा कुछ भी दोबारा होने जा रहा है। जहाँ तक उनकी छुट्टियां कैंसिल करने की बात है तो बिल्कुल वो की गई होंगी, लेकिन उसकी रीज़न ये नहीं है कि इमरान खान के लोग जो हैं दोबारा किसी किस्म का अटैक करेंगे, बल्कि ऐसा करने का मेरे ख्याल से सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जो सज़ाएं इमरान खान को मिली हैं जिस तरह से वो जेल में है, तो इस वक्त उनको ऐसी कोई भी बात सूट नहीं करती। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन नहीं होने वाली है। शांति से बात क्या बनेगी, किंग मेकर की भूमिका को एक्सेप्ट करेंगे ये पीटीआई के कार्यकर्ता, और किंग मेकर की भूमिका कितनी अहम रह जाएगी या वो डिसॉल्व हो जाएंगे। देखिए, नवाज शरीफ साहब के साथ जैसे मैंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको मिलवा दिया जाएगा और जो सीट्स कम होंगी वो उनके पास चली जाएंगी, तो नवाज शरीफ साहब को आसानी हो जाएगी। अभी लाहौर पहुंच चुके हैं आसिफ अली जरदारी और उन दोनों में भी मीटिंग चल रही है। इसी तरह से दूसरी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, और उसमें जहां तक मेरा ख्याल है उनको एस्टेब्लिशमेंट का भी आशीर्वाद होगा तो वो यकीनन बना लेंगे। फिलहाल इमरान खान हमें बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से एक और है, वो हम जनता के सामने रखें, दर्शकों के सामने रखें। तहरीके ए ब्लैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगी, ये देखिए एक और प्रोटेस्ट की कहानी। चुनाव में धांधली का आरोप है और इसे लेकर के प्रदर्शन की एक बड़ी खबर मिल रही है। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक और बड़ी खबर जहां प्रोटेस्ट की जानकारी मिल रही है, चुनाव में धांधली का आरोप लगा है, चुनाव आयोग के खिलाफ गुस्सा है और उस गुस्सा को लेकर के प्रोटेस्ट की खबर मिल रही है, प्रदर्शन होगा इस बात की जानकारी सामने आ रही है। इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जबीर अली हमारे साथ बने हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कितने तरीके के प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहे हैं और ये जो ताजा प्रोटेस्ट है इसे लेकर के क्या जानकारी है। जबीर, देखिए इस वक्त इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो काफी मुख्तलिफ है मुल्क के दीगर सूरत जो इलाके उसके मुकाबले में, क्योंकि इस्लामाबाद वो जगह है जहां पर पूरा ये सेटअप बनने जा रहा है, और इस पूरे सेटअप बनने के बाद जो इस्लामाबाद में सूरत हाल बनेगी यकीनी तौर पे उसके हवाले से यहाँ पे बड़ी प्लानिंग की जा रही है। इस्लामाबाद में इस वक्त जो आपको एहतजाज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस तरह के एहतजाज आमतौर पर यहाँ पे होते रहते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाह रहा हूँ जो इलेक्शन के बाद के जो हकायक हैं उसके ऊपर मेरा ख्याल है कुछ चीजें हकायक सामने आना जरूरी है ताकि इस चीज को जरा समझा जाए कि आने वाली गवर्नमेंट किस तरह से बनेगी। देखिए पाकिस्तान में एक तो होती है जो जनरल सीटें होती हैं, उस हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अप्रोक्सीमेटली 100 के करीब सीटें होंगी, जबकि जो अपोजिशन है उसके पास 150 से ज्यादा सीटें होंगी। और दूसरी बात यह कि अपोजिशन के पास इस वक्त उनको जो जनरल नशिस्तों के साथ साथ जो रिजर्व सीटें मिलती है तो वो भी तकरीबन अपोजिशन को दी जाएंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट कर नहीं रही। तो दूसरी बात इसमें एक चीज ये भी है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से कुछ उम्मीदवार आजाद तौर पे भी खड़े किए गए थे ताकि तहरीक इंसाफ के नाम का जो वोट है उसमें भी कहीं ना कहीं
उनको सपोर्ट की जाए। तो तहरीक इंसाफ के पास देखें तकरीबन 100 के करीब करीब सीटें, जबकि उनको 132 सीटें कम से कम चाहिए जनरल, और जब उसके साथ साथ जो उनको रिजर्व सीटें मिलेंगी तो 172 सीटों की जरूरत होती है। तो तहरीक इंसाफ के पास तो इस हवाले से जो सीटें हैं वो मुकम्मल होती दिखाई नहीं दे रही। जबकि दूसरी जानब अगर हम बात करें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जिसके बारे में मशहूर है कि वो पाकिस्तान में मुफाहमत के बादशाह माने जाते हैं, जबकि उसके साथ साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, जबकि इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान है जो कि खुद तो दो जगह पे शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी भारत अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। जबकि इसके साथ आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उनकी जानिब से इत्तेहाद किया गया था नवाज शरीफ से, इलेक्शन इत्तेहाद, और उसी दौरान एमक्यूएम ने कहा था कि अगर नवाज शरीफ की पार्टी इख्तदार में आती है तो वो तमाम जो उनके वोट होंगे वफाद में वो नवाज शरीफ को देंगे। तो यकीनी तौर पे एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही सूट करती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम क्या वफाद में इत्तेहाद बनेगा, जबकि जो सूबा है सूबा सिंध में, सिंध में यकीनी तौर पर एमक्यूएम को सीटें चाहिए होती हैं, हुकूमत में हिस्सा चाहिए होता है, क्योंकि वो अपने लोगों को अगर प्रोटेक्ट करना चाहती है या उनको कोई सपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए उनके पास गवर्नमेंट में होना जरूरी है। तो इस वक्त जो अपोजिशन अलायंस है जिसको पीटीआई के खिलाफ एक मुत्तहिदा महाद भी आप कह सकते हैं, तो उसके पास अक्सरियत पूरी है और वो गवर्नमेंट बनाने में आसानी से गवर्नमेंट बना लेंगे। जबकि पीटीआई के तो लोग हैं उनमें कुछ लोग तो पीटीआई के नजरियाती लोग हैं जो कि पीटीआई के साथ रहेंगे, लेकिन मेरा एक अंदाजा है, इसको आप रिकॉर्ड पे भी रख सकते हैं कि जो लोग जीत पाए इसमें 50-55 के करीब लोग पीटीआई के पास रह जाएंगे, बाकी लोग क्योंकि आजाद जीते हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज को ज्वाइन करेंगे। जाहिर सी बात है उनके पास सिंबल नहीं है और अब वो किधर जाएंगे उस पर निगाहें रहेंगी। इसी बीच बड़ी खबर क्या है, पीपीपी के बड़े नेता खुर्शीद शाह का बयान सामने आया है, पीएम पद की दावेदारी पर पीपीपी का बड़ा बयान, पीएम पद के लिए नवाज को नहीं करेंगे सपोर्ट, बिलावल भुट्टो नवाज की पार्टी में ठनी है, बिलावल की पार्टी है पीपीपी। तो देखिए किस तरीके का जनादेश है, पीटीआई जिसके पास सिंबल नहीं है, जिसके निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं वो सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद पीपीपी के बड़े नेता खुर्शीद शाह यानी बिलावल भुट्टो की पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि नवाज शरीफ को हम सपोर्ट तो कतई नहीं करेंगे, यानी कि इधर से गठबंधन की उम्मीद कम है, साथ देने की कम से कम कोशिश नहीं करना चाहते हैं, इस बात के सिग्नल दिए जा रहे, बयान दिए जा रहे क्लियरली। बिलावल की पार्टी है पीपीपी, उनका कहना है कि नवाज की पार्टी में ठनने के बाद हम साथ तो नहीं देने वाले हैं। आइए इसके मायने समझते हैं, आरजू के पास चलते हैं। आरजू, अगर पीपीपी और नवाज शरीफ के बीच बात नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है वही निर्दलीय कैंडिडेट होंगे जो मेजॉरिटी के लिए तोड़ करके लाए जाएंगे या मर्जी से लाए जाएंगे, यही एक इकलौता कॉम्बिनेशन बचता है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी कई बार कह चुके हैं कि वो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के साथ पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे या उनकी मिनिस्ट्री नहीं लेंगे, ये उन्होंने कहा था इससे पहले, हालांकि वो ले चुके हैं जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी, मगर अब उन्होंने बार बार यह स्टेटमेंट दिया है तो मेरा ख्याल है अब वो नहीं बैठना चाहेंगे। लेकिन हो सकता है कि आसिफ अली जरदारी जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट समझे जाते हैं एज अ पॉलिटिशियन, हो सकता है वो कोई रास्ता निकाल लें। लेकिन पीटीआई के पास जो 95 के करीब बताए जा रहे हैं सीट्स जो कैंडिडेट जीते हैं, अब जैसा कहा जा रहा है कि ये वाकई सिर्फ इमरान का साथ देने वाले लोग कौन होंगे जो किसी भी कंडीशन में साथ नहीं छोड़ेंगे, इसके बारे में कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन है आरजू? नहीं, इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन इमरान खान के साथ कुछ ना कुछ साथी उनके ज़रूर होंगे जो पहले मिनिस्टर वगैरह रह चुके हैं इमरान के कैबिनेट में, इमरान खान की उससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होंगे जो छोड़कर और किसी दूसरी पार्टी के साथ चले जाएंगे। जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी तब भी यही हुआ था कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो है जहांगीर तरीन खान साहब लेकर आते थे और इमरान खान की पार्टी में उनको शामिल करा दिया जाता था। सेम वही सब कुछ पूरा का पूरा समझे जैसे एक म्यूजिकल चेयर है जो यहाँ पर चल रही है और एक बार फिर हम सब कुछ वही होता हुआ देखेंगे। तो बिलावल भुट्टो की पार्टी के पास क्या प्रोबेबिलिटी बचती है कि वो जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं पीटीआई के जो बताए जा रहे हैं वो उनके साथ एडिशन करें तो फिर उनका चांस बन पाए, ऐसी कोई पिक्चर है?
बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के पास पैसा बहुत है और यहाँ पर इस वक्त पैसा ही चलाया जाएगा। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो उनकी बड़ी बड़ी बोलियाँ लगेंगी और उसके बाद वो पैसा लेकर जो है वो जिस पार्टी को भी चाहेंगे वो ज्वाइन करेंगे। पहले भी यही हुआ था, इमरान खान के टाइम पर भी सुनने में यही आया था कि बहुत पैसा लेकर और कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो इमरान खान की पार्टी में शामिल हो गए थे और फिर इमरान खान ने गवर्नमेंट बना ली थी। पाकिस्तान में यही तरीका हमेशा से इस्तेमाल होता है और आगे भी लगता है कि यही होगा। तो कुल मिलाकर के चाहे बिलावल भुट्टो की पार्टी हो, नवाज शरीफ की पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों में पैसे का पावर जिसके पास रहेगा वो निर्दलियों को अपने पास जितना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए और वही जो फाइनल नंबर होगा उससे ही पाकिस्तान के इलेक्शन की पिक्चर क्लियर हो पाएगी, ऐसा फिलहाल पता लगता है। लेकिन अभी इलेक्शन से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर है जो हम आप तक पहुंचाएं, नवाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा, काउंटिंग के बीच हार मानी, हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है, नवाज ने कहा, बाकी दल हमारे साथ आए, इस बात की अपील की, हम मिल करके सरकार बनाएंगे, ये भी कहते वो नजर आए। पीटीआई की बड़ी लीड से बाकी दलों में हड़कंप है, नवाज शरीफ ने भाई शहबाज को टास्क दिया है, जरदारी फजलुर रहमान से मिले, शहबाज और एमक्यूएम नेताओं से भी मिले, मिलजुल करके नई सरकार बनाने की रणनीति पर वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। Muslim League Noon is the largest single party in the country today after the elections aur main samajhta hu ke hamara farz hai ke is mulk ko bhanwar se nikala jaye aaj hame jo mandate mila hai zaruri hai ke dusri partiyan baith kar mil kar ek hukumat qaim kare aur pakistan ko is bhanwar se nikale। चलिए हम रुक करते हैं सैयद का, लाहौर से लगातार बने हुए हैं, वहां की हर एक ग्राउंड पे हो रही हलचल पर उनकी नजर है। ऐसे में सैयद से ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर तो शहनवाज ने मान लिया कि भाई हम अकेले मेजॉरिटी में नहीं है, अब हमें हर हाल में लोगों का साथ चाहिए सरकार बनाने के लिए, और दूसरे खेमे से बात करें बिलावल भुट्टो की पार्टी की ओर से, क्या उस तरफ से भी कोई ऐसा दावा पेश होने की बात सामने आ रही है? देखिए जी, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे पास मेजोरिटी उतनी नहीं है कि हम गवर्नमेंट बना सकें, तो इसमें इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि कल जब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शंस का रिजल्ट आना शुरू हुआ तो वो थोड़े से डिसअपॉइंट जो है सोर्सेज बता रहे थे कि नज़र आ रहे थे, और उन्होंने वहाँ से जाने का जो है वो फैसला किया, और वहाँ पर उनकी व्यक्ति स्पीच होनी थी, वहाँ पर खाने का इंतज़ाम था कल, और ये सारे मामलात को कैंसिल कर दिया गया और उन्होंने कोई व्यक्ति स्पीच कल नहीं की। और आज जब उन्होंने व्यक्ति स्पीच की, एक तरह से व्यक्ति स्पीच कहा जा सकता है उसको, तो उसमें उनका ये कहना था कि कल मैंने इसलिए व्यक्ति स्पीच नहीं की क्योंकि कल रिजल्ट आया ही नहीं था, लेकिन आज की अगर बात कीजिए तो आज उन्होंने उस टाइम ये स्पीच की जब उनके पास 60 टोटल सीटें थी और अभी तकरीबन कुछ 70-80 सीटों से अभी तक रिजल्ट आना बाकी था, तो साथ ही साथ उनका ये कहना कि हम आज़ाद उम्मीदवारों को भी कहेंगे कि वो भी इस जो है हमारे साथ आए, हमारे साथ मिल के जो है वो पाकिस्तान को संवारे, तो उनको ये अपील उन्होंने आज़ाद उम्मीदवारों से भी की है, उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी की है, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी की। अगर ऐसा कहें कि उन्हें उन्होंने जो जो इलेक्शन में जीता है उन्होंने सबको अपील की है तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो ये सारे मामले के बाद अगर पीपल्स पार्टी की तरफ देखें तो इलेक्शन से पहले भी पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ हमारी नजर है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को हम मिला के, बिलावल भुट्टो ये एडमिट कर चुके हैं एक प्रोग्राम में कि हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को अपने साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। देखिए दोनों तरफ से दावे हैं, बहुत अजीब सी मतलब कंडीशन कह सकते हैं, लेकिन नई नहीं है, वो ये है कि जनता ने जिसे चुना है उसके पास सिंबल नहीं है, सबसे ज्यादा जनता का दिल जिसके साथ है उस पार्टी के पास सिंबल नहीं है, और अब जितने निर्दलीय कैंडिडेट जीते हैं उन्हीं को जोड़ करके या तो नवाज शरीफ को या बिलावल भुट्टो को मौका मिल सकता है सत्ता पर काबिज होने का, लेकिन ये किधर जाएंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इस पर किसी को कुछ साफ पता नहीं है।